हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिवम पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयंता क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आप सभी को एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप अपने साथ एनसीईआरटी की बुक रखो, एक बार बुक की रीडिंग करो, जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आती हूँ उन्हें लिखो और लर्न करो, तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, ज़्यादा देर नहीं करते हैं बातचीत करने में। पहेली एंड बूझो। वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सावेल, प्लॉग एट्सेट्रा इन द फील्ड। पहेली और बूझो दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन खेत में उन्होंने कुछ औजार जैसे कि खुरपी, हसिया, फावड़ा, हल, इन सभी चीज़ों को देखा। अब जो बूझो है उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? आप सभी ने सीखा है, सभी जो जीवित प्राणी होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है क्लास 6 में और क्लास 7th में। वहाँ पे आपको ये पता चला कि सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। पौधे ऐसे हैं जो कि अपने लिए अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो क्या आपको याद है कि वह कौन सा तरीका था जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते थे? तो तरीका था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स सॉयल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उनके पास लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसके प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी की मदद से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यह प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, यह लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जबकि एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम तो अपना भोजन पकाते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि किचन में हमारी मम्मी भोजन बनाती है, नहीं, वे भोजन को पकाती हैं, बनाया तो उसको प्लांट्स ने है। तो भाई क्वेश्चन उठता है कि जो एनिमल्स हैं इन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? तो इन्हें अपना भोजन प्लांट से मिलता है। कोई भी जो एनिमल्स होता है वह सीधे तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। या तो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर वे दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं जो प्लांट्स को खा रहे होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन पहला सवाल ये उठता है कि हमें भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती क्यों है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड डिस्क्रीशन। आप पहले से ही जानते हो कि भोजन से जो भी एनर्जी मिलती है किसी भी जीवित प्राणी के द्वारा, उसका इस्तेमाल अपने शरीर में होने वाले अलग अलग कार्य जैसे डाइजेशन पाचन, रिस्पिरेशन श्वसन और एक्सक्रीशन में उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब सोच रहे हैं एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसके मदद से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। जबकि डाइजेशन में हम फूड को पचाते हैं और वह जाकर के हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। रिस्पिरेशन में जो एब्जॉर्ब फूड होता है, पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड, वह सेल्स तक जाता है। वहाँ पे वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है और बॉडी को एनर्जी क्वाइंस ATP मिल जाती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स आर बोथ। हम अपने भोजन को या तो पौधों से प्राप्त करते हैं, या तो जानवरों से, या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। अब फिर से बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सिंस वी आल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड
फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। जैसा कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हम अपने देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को किस तरह से भोजन का प्रोवाइड कर पाते हैं, दे पाते हैं। तो पहली बोलती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसके लिए हमें भोजन को ढेर सारी मात्रा में पैदा करना पड़ेगा, उसका उत्पादन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर एक बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करना है तो उसके लिए लगातार भोजन का उत्पादन होना चाहिए, उसका प्रॉपर देखभाल होना चाहिए, साथ ही साथ उसका वितरण भी होना चाहिए, लोगों तक वह भोजन पहुंचाया जाना चाहिए। अब आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि। अब क्या आता है? कृषि। कृषि में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अब आगे हम यही देखने वाले हैं। टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमेडिक, दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। 10,000 ईसा पूर्व तक लोग क्या थे? वन मानुष थे, ठीक है। ज़्यादा जो इंसान थे वे क्या थे? वन मानुष थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते थे समूहों में, भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में। वे कच्चे फल, सब्जियां और जानवरों का शिकार करके भोजन के रूप में उन्हें ही खाया करते थे। बाद में उन्होंने खेती करना शुरू किया, ठीक है, और चावल, गेहूं और दूसरे जो भोजन की फसलें हैं उनको उगाना शुरू किया और यहीं से कृषि का जन्म हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर ढेर सारी मात्रा में उनको उगाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, हिंदी में फसल बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप गेहूं के फसल की बात करते हो, मतलब कि उस खेत में सारे पौधे गेहूं के ही उगाए गए होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। आप सभी जानते हैं कि जो फसल होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि अनाज, सीरियल्स मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स फल। इनको इनके सीजन के हिसाब से, जिस सीजन में, जिस ऋतु में इनको उगाया जाता है उस हिसाब से इन्हें वर्गीकृत कर दिया जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, यहाँ का जो जलवायु वाली स्थिति है, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, नमी, वर्षा, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है। जैसे कि मेघालय और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि जो हमारा राजस्थान वाला इलाका है, रेगिस्तान वाला राजस्थान में, वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर हम फसलों की प्रजातियों के हिसाब से देखें तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की ढेर सारी फसलों की प्रजाति को उगाया जाता है। इसके सिवाय, इस विभिन्नता के सिवाय, जो फसलों को उगाने का है उन्हें दो ब्रॉड पैटर्न में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी है रबी क्रॉप्स। अब सबसे पहले हम खरीफ क्रॉप्स की बात करेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वे फसलें जिनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स।
भारत में जो वर्षा ऋतु का समय होता है वह जून से सितंबर तक होता है। धान, मकई, सोयाबीन, मूंगफली और रुई ये मुख्य खरीफ क्रॉप्स हैं। सेकंड आता है रवि क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स। वे फसलें जिन्हें शरद ऋतु में जिनकी बुआई की जाती है उन्हें रवि क्रॉप्स कहते हैं। और भारत में जो शरद ऋतु का समय होता है वह अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। अक्टूबर में इसकी शुरुआत हो जाती है और ठंड की, और फरवरी तक तो चलती आराम से। जो फसलें होती हैं उनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च तक उनकी कटाई हो जाती है जो रबी क्रॉप्स में फसलें आती हैं। जैसे कि रबी क्रॉप्स जो हैं वीट है, गेहूँ, ग्राम है, चना है, पी मटर है, मस्टर्ड सरसों है और लिनसीड अलसी है। ये मुख्य रबी क्रॉप्स हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। इसके अतिरिक्त जो दाल और सब्जियां होती हैं उन्हें अलग अलग जगहों पे गर्मी के मौसम में लगाया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब सवाल ये उठता है कि हम धान की खेती ठंड के मौसम में क्यों नहीं कर सकते हैं। बूझो ये सवाल पूछता है तो पहली इसका आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। धान को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से हम इसको केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं, बाकी सीजन्स में इसे उगाया नहीं जा सकता। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर आर इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब फसल की खेती की जाती है तो यहाँ पे अनेकों ऐसे कार्य होते हैं जो कि एक किसान के द्वारा एक लंबी अवधि जो उनका फसल का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उस दौरान उन्हें करना पड़ता है। आप उस तरह के जो काम एक किसान को करने पड़ते हैं एक माली को भी उस तरह के सेम काम करते हुए देख सकते हो, या फिर आप जब खुद अपने घर के बगीचे में प्लांट्स को लगाते हो, सजावटी पौधों को लगा रहे होते हो, उगा रहे होते हो, तो आप भी उस तरह के काम करती हो, जैसे मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें प्लांट लगाना, पानी देना, खाद देना एट्सेट्रा। दीज एक्टिविटीज आवर टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। और इन सभी कार्यों को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के रूप में बोलते हैं। और ये इनमें जो पहला पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, सेकंड सोइंग बुआई की जाती है, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद और उर्वरक मिलाया जाता है, फोर्थ इरिगेशन सिंचाई की जाती है, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स जो खरपतवार होते हैं उससे फसल की सुरक्षा की जाती है, पॉइंट सिक्स हार्वेस्टिंग अब फसल की कटाई की जाती है, एंड लास्ट सेवेंथ पॉइंट स्टोरेज अब उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं सेवन पॉइंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोविंग, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग सन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में लिखो या उन्हें शॉर्ट में बताओ। लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल हर चीज़ को डिटेल में बताना पड़ेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो केवल इनके बारे यही पॉइंट्स लिख दीजिए, हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर
इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। सबसे पहला काम जो होता है वह मिट्टी को तैयार करना ही होता है। एक फसल को उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। एग्रीकल्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है कि मिट्टी को ढीला बनाओ, मिट्टी को ढीला करो। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इंटू द सॉयल। द लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन वेन दे गो डीप इंटू द सॉयल। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉयल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। इसकी वजह से क्या होता है, जब मिट्टी ढीली होती है तो जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा अंदर तक जाती हैं मिट्टी में, ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, और जब लूज सॉयल होता है तो गहराई तक जाने के बावजूद भी जड़ों को आसानी से जड़ें सांस ले पाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल पाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है तो रूट्स आसानी से सांस क्यों ले पाते हैं, क्योंकि लूज सॉयल में एयर स्पेसेस बने रहते हैं तो वे ज़्यादा इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। द लूजेंड सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉयल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉयल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट वाई द सॉयल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजेंड। जो ढीली मिट्टी होती है उसकी मदद के कारण, उसकी वजह से जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में ग्रो करते हैं। फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थवर्म और माइक्रोब्स, इन्हें फार्मर्स का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी को और तोड़ते हैं, ठीक है, और ढीला करके उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस एक प्रॉपर्टी होती है सॉयल की, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है पानी को पकड़ के रखने की, ह्यूमस को ये बढ़ा देते हैं सॉयल की। अब सवाल ये उठता है कि मिट्टी को क्यों टर्न करना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है और ढीला करना पड़ता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉयल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉयल ऑर्गेनिजम्स। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉयल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। आपने पिछली कक्षा में सीखा था कि जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल वाटर एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मतलब जो मरते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं, उनकी बॉडी टूटती है छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट में, तो वे फिर से कहाँ जाते हैं, उस सॉयल में ही जाते हैं। उनकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है और फिर से उसी सॉयल में मिक्स हो जाता है, और जब वह न्यूट्रिएंट्स सॉयल में मिक्स हो जाता है तो प्लांट्स उसे दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही सेंटीमीटर की जो ऊपर की लेयर होती है सॉयल की, वहाँ पे प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। जब उसे मिट्टी को तोड़ा जाता है और लूज़ किया जाता है, इससे जो न्यूट्रिएंट रिच सॉयल है वह टॉप पे आ जाती है और पौधे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस कारण मिट्टी को तोड़ना और ढीला बनाना फसल के उत्पादन में, फसल की खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टेलिंग और प्लॉगिंग। मिट्टी को तोड़ने और ढीला बनाने की प्रोसेस को टाइलिंग या प्लॉगिंग कहते हैं, जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लॉग, और यह एक हल का इस्तेमाल करके किया जाता है। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। जो हल होते हैं वे लकड़ी और आयरन लोहे से मिलकर बने होते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो आपको जुताई करने से पहले उसमें एक बार सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है मिट्टी को। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। द प्लॉग्ड फील्ड में है बिग क्रम्स ऑफ द सॉयल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉयल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा कठोर होती है तो उसमें पानी भी देना पड़ता है जुताई करने से पहले।
अब जुताई के बाद जो मैदान होता है वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े थोड़े बड़े साइज़ के मिट्टी के टुकड़े दिखेंगे, ठीक है, जिन्हें क्रम्स कहा जाता है। और यह बहुत ज़रूरी है कि इन क्रम्स को तोड़ा जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है। लेवलिंग से दो फायदे होते हैं, पहला तो बुआई बहुत आसानी से होती है और दूसरा सिंचाई अच्छे से होती है, मिट्टी लेवल रहता है। तो नहीं तो लेवल ना होने पे क्या होता है, पानी जहाँ पे मिट्टी का लेवल कम होता है वहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है खेतों में। लेवलर की मदद से हमेशा लेवलिंग की जाती है। समटाइम्स मेन्योर इज एडेड टू द सॉयल बिफोर टाइलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मेन्योर विद सॉयल, द सॉयल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। कभी कभी जो खाद होती है उसे जुताई करने से पहले ही ऐड कर दिया जाता है, इससे क्या होता है अच्छे ढंग से जो खाद होता है वह मिल जाता है जुताई के दौरान, और जुताई करने से पहले ही मिट्टी को एक बार मॉइस्टेंड किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, नमी बनाया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक बिग सॉयल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लॉग, हो एंड कल्टिवेटर। बुआई करने से पहले, बीजों की बुआई करने से पहले यह बहुत ही आवश्यक है जो कि मिट्टी में जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें तोड़ दिया जाए तो फसल अच्छी होती है। और इसका इसे करने के लिए मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए अलग अलग औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। जो मुख्य औजार हैं वह है हल, फावड़ा और कल्टीवेटर। तो पहले आता है प्लॉग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉयल। यह इसका इस्तेमाल बहुत ही प्राचीन समय से होता रहा है, हल का इस्तेमाल मिट्टी की जुताई के लिए या फसल में खाद मिलाने के लिए, उर्वरक मिलाने के लिए, खेत से खरपतवार निकालने के लिए या फिर मिट्टी को तोड़ने के लिए। दिस इज मेड ऑफ फूड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स आर अदर एनिमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉगशेयर। यह लकड़ी का बना होता है और इसे खींचने के लिए बैलों का एक जोड़ा चाहिए होता है या दूसरे एनिमल्स का हमेशा पेयर ही चाहिए होता है। इसमें एक मजबूत ट्रेंगुलर शेप की लोहे की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसे प्लॉग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ फूड विच कॉल्ड अ प्लॉग स्टॉफ। जो सबसे मुख्य पार्ट होता है हल का वह लंबा सा लकड़ी का लॉग जिसे प्लॉग शाफ्ट कहा जाता है। साथ में उसमें एक हैंडल भी होता है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के किनारे पर एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लॉग। बाकी जो दूसरा किनारा होता है वह बीम से जुड़ा होता है जो कि बैलों के कंधे पर रखा जाता है, गले पर रखा जाता है। हल से जुताई करने के लिए आपके पास एक जोड़ा बैल होना चाहिए, मतलब दो बैल होने चाहिए और एक व्यक्ति उसे आसानी से चला सकता है। जो गांव में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का हल हुआ करता था समय के साथ वह लोहे वाले हल से रिप्लेस होता चला जा रहा है। जहाँ पहले लकड़ी का इस्तेमाल होता था उसकी जगह पे लोहे का इस्तेमाल हो रहा है जो इसे ट्रैक्टर खींचता है। अब आता है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ फूड आर आयरन। अ स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। अब हो की बात करें, एक सिंपल सा टूल है, साधारण सा औजार है जिसका इस्तेमाल खेतों में से खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है, मिट्टी को ढीला बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें एक लंबी सी रॉड होती है जो लकड़ी या लोहे की हो सकती है। एक मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है लोहे की जो कि इसके एक किनारे पर जुड़ी होती है और उसका मेन काम होता है जो कि ब्लेड का काम करती है और उसे एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। आजकल
जुताई के लिए ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कल्टीवेटर के इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे, और अभी बज रहे हैं रात के 10, तो बाकी बचे हुए पार्ट को हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और एक बात मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग बुक पढ़ के एक बार रीडिंग करके जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उन्हें लिखो, उसका मीनिंग लिखो और लर्न करो, तो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि आज रात हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।